यहाँ पर मेनली दो तीन अट्रैक्शंस हैं हमारे यहाँ पर। पहला तो हमारा वॉलनट ऑर्चार्ड्स है जो बना हुआ है, इसमें वो हमने ये साइंटिफिक लाइंस पे तैयार किया हुआ है। लगभग आपने देखा होगा ये लगभग 5-6 ईयर्स ओल्ड है। इस वॉलनट नर्सरी का पर्पस हमारा यही है कि हम वॉलनट की प्रोपेगेशन कर रहे हैं वेजिटेटिवली। तो यहाँ पे जो आप प्लांटेशन देख रहे हैं ये हमने CITH जो रंगरेट में हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है टेम्परेट फ्रूट्स का, वहाँ से पौधे लाए हैं। तो ये एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट प्लांटेशन हमारा काम करता है यहाँ पे। यहाँ पे लोगों को हम लाके उनको दिखाते हैं एट टाइम्स, चाहे वो बडिंग या ग्राफ्टिंग का सीज़न हो तब भी लाते हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे उनको हम प्रैक्टिकली ये भी दिखाते भी हैं कि आप अपने पौधों की रखरखाव देखभाल कैसे करोगे। 15 हेक्टेयर्स में इसमें बहुत सारे जो टेम्परेट फ्रूट्स के क्रॉप्स लगे हुए हैं, उसमें खासतर हमें चेरी, उसके बाद पीच, उसके बाद हमारे पास प्लम है, एप्रिकॉट हैं, पियर हैं, एप्पल हैं, चेस्टनट है, हेजलनट है, वॉलनट है, आलमंड है। ये जो जितने भी हमने क्रॉप्स का जिक्र किया है ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं। असल में देखा जाए तो हमारे वॉलनट में एक प्रॉब्लम रही है पहले से ही कि इसमें कोई वैरायटी नहीं है, कोई ऐसी सिलेक्शन नहीं देखी गई है जो यूनिफॉर्मिटी हो, एक्सेप्ट बारिंग दिस जो कि हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं और बाहर से भी कुछ हमने लाई हुई है। तो इनमें अगर हम देखें इनका फ्रूट साइज एक जैसा होता है, और अगर इनमें देखेंगे इसका कर्नल वेट या कर्नल कलर यूनिफॉर्म होता है, एक्सेप्टेबल होता है मार्केट से। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने इनमें देखे कि इसमें हम जो भी साइज़ है वो कंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो पहले हमारे जो रिमोट एरियाज़ में या बहुत पहले से लगाया जाता था जो वॉलनट के पौधे थे बहुत बड़े थे, लगभग एक कनाल में लगभग वो एक दो या बहुत ज़्यादा एरिया वो लेके जाता है, उसमें उसका मैनेजमेंट कॉस्ट, उसकी एज, उस पत्ता इसमें जिसमें उसमें फ्रूटिंग आती थी, उस सब चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर इंटरवेंशन किया गया है, ये ग्राफ्टेड वॉलनट्स हैं, इनका साइज़ हम कंटेन करते हैं, प्लस इसमें जो फ्रूटिंग बहुत प्रिकॉशियस हैं यानी कि बहुत पहले आ जाती है, 3 साल से ही इसकी फ्रूटिंग आना शुरू होती है। लेकिन इसमें एक दूसरी अट्रैक्शन जो हमारी यहाँ पर हाईटेक ग्रीन हाउसेज हम देख रहे हैं, ये एक पायनियर रोल करता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, स्पेशली वॉलनट में। अगर हम देखा जाए जो ये ग्राफ्टिंग हम करते हैं, अगर हम ओपन में करें यानी कि बाहर करें तो उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम होती है, जबकि ये जो हमारे हाईटेक्स हैं इसमें हम ऑटोमाइज्ड तरीके से कर लेते हैं, इसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल रह जाता है। और जो हम वॉलनट की प्लांटेशन आगे करना चाहते हैं, इसकी जो रिवाइवल हम ओल्ड प्लांटेशन को करना चाहते हैं इन नए पौधों से, नई इंटरवेंशन से, हाई डेंसिटी से, ये जो ग्राफ्टेड और बडेड हमारे पास वॉलनट प्लांट्स हैं तो हम लोगों को यहाँ लाते हैं। और दूसरा ये हमारा बड और ग्राफ्ट वुड का जीन बैंक भी यहाँ पे काम करता है उसके लिए, तो इसका पर्पस वही है मेनली। तो फ्रूट हम लेते नहीं इससे क्योंकि बहुत ही कम एरिया अभी हमारा हॉर्टिकल्चर में डेवलप हुआ है इन रीजन्स के तहत की इस पर्पस से कि हम अपना ग्राफ्ट और बडवुड बनाएं। इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, बहुत अच्छे वैरायटीज़ हैं, खासकर ये जो सिटून फ्रूट्स की मैंने बात की है, ये वैरायटीज़ अभी फार्मर्स फील्ड तक नहीं गई है, न ये फार्मर्स फील्ड में अभी तक मौजूद है, क्योंकि जो भी यहाँ पे क्रॉप लगे हुए हैं ये इंपोर्ट हुए हैं, बाहर से आए हैं, उस पर काम यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे वैरायटीज़ जो जिनका हमने परफॉर्मेंस देखा है यहाँ पे बहुत अच्छा है, हम फार्मर्स के लिए इनको रिकमेंड करते हैं। लगभग ये हमने 2 लाख के करीब यहाँ पर जो भी हैं ये स्टॉक हमें लगाया है। अगर देखा जाए हमारे वादी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो हम ये रूट स्टॉक पहले कहीं से ला रहे थे बाहर से, अब ये इंटेंशन है क्योंकि डिमांड भी ऐसी है सेल्फ सफिशिएंट रहने के लिए हम, और लो कॉस्ट, थोड़ा कॉस्ट डिफरेंस भी आए, हमने डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया है रूट स्टॉक बैंक विद दिस इंटेंशन के ईयरली वाइज हम यहाँ से अपना रूट स्टॉक जनरेट कर सकें, जिसको हम यहाँ से निकाल के फिर प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में डिसमिनेट कर सकते हैं, या अपनी भी नर्सरीज़ में हम दूसरी जगह पे जिनको हम ग्राफ्टिंग या बडिंग टेक्निक से एक बड़े अच्छे हाई डेंसिटी प्लांट्स को हम बनाते हैं। अगर देखा जाए बाहर से जो बिरूनी मुल्क से जो आते हैं वो बड़ा कॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा चलता है, ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है हमें यहाँ पर, वहाँ पर स्टेट एक्सचेकर बाहर जा रहा है, उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उस चीज़ को
डाइवर्ट करने के लिए यहाँ का पैसा यहाँ लगे, यहाँ का पैसा सही तरीके से यूटिलाइज हो, इसलिए डिपार्टमेंट ने इस रूट स्टॉक बैंक को एस्टेब्लिश किया हुआ है। हमने आगे इसी प्रोजेक्ट के साथ में ही लगभग 100 पौधे चैंडलर के भी लगाए हैं, जो इसी साल हमने लगाए थे, वो उसमें फ्रूटिंग भी आई है, तो वो भी हम ग्राफ्टिंग और बडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है और लोगों को हम यहाँ लाते हैं और दिखाते हैं। इस साल भी हमने लाए थे, बड़े सारे डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे आते हैं लोग और मुस्तफीद होते हैं इन चीज़ों से। और जो हमारा एक फ्रेज़ है, सीइंग इज़ बिलीविंग, तो उनसे उनको दिल में उसका यकीन हो जाता है कि जो हॉर्टिकल्चर वाले जो नई इंटरवेंशन या नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस देते हैं, तो प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन भी हम उनको यहाँ लाके बता देते हैं, दिखाते हैं, तो वो अवेयर हो जाते हैं।